नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज मैं आपके लिए गाजर की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली तो है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं एक चम्मच घी ले लेंगे। घी को अच्छे से पिघला लेना है। घी पिघल चुकी है तो मैंने यहाँ पे 5 से 7 काजू और 5 से 7 बादाम को इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। इसे डाल देंगे। गैस को हमने इस टाइम धीमे कर रखा है और ये जो मिश्रण है इसको बनाने के लिए आपको पूरे प्रोसेस में गैस को धीमा ही रखना है। काजू और बादाम को कुछ सेकंड तक फ्राई करने के बाद में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच या फिर 1/4 कप जितना नारियल का बुरादा ले लिया है। इसे डाल देंगे। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश मलाई जो दूध के ऊपर, इस दूध को गर्म करने के बाद में जो मलाई थे ना उसी मलाई का इस्तेमाल किया है। तो अब हम सारे सामग्री को लगातार चला लेंगे। इस मिश्रण को हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस कुछ सेकंड के लिए पकाना है। समय से देखे तो आधे मिनट तक, तो हमें डाले हुए से 10 से 12 सेकंड हो चुके हैं। तो जो मीठा के लिए मैं यहाँ पर लूंगी छोटे चम्मच से 2 चम्मच चीनी, ताकि हमारे जो मिश्रण है ये मीठा हो जाए। चीनी को अब हम लगातार चलाते हुए इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो जो आप देख सकते हैं हमारी चीनी जो है पिघल चुकी है और चीनी पिघलने के साथ ही चीनी में से जो एक्स्ट्रा पानी आती है वो निकल चुकी है। तो हमें इस मिश्रण को थोड़ा सा और पकाना है ताकि चीनी का जो पानी है ना वो हल्का सा सूख जाए। आप देख सकते हैं चीनी का जो पानी है वो सूख चुकी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मिश्रण को जो है उतार लेंगे। उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर लूंगी आधी कटोरी बारीक वाली सूजी। सूजी को भी हमें लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है धीमे गैस पर। गैस को तेज बिल्कुल ना करें, नहीं तो सूजी का कलर जो है डार्क हो जाएगा और उसका जो टेस्ट है अच्छा नहीं आएगा। इसके साथ ही का जो रेसिपी है वो कड़वी भी लग सकती है। सूजी को लगातार चलाते हुए धीमे गैस पर 7 से 8 मिनट तक सेक लिया है। आप देख सकते हैं सूजी का जो है कलर बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ है, ये हल्का सा फ्राई हो चुकी है। इस तरह के फ्राई करके लेने से सूजी का जो एक कच्चापन होता है वो दूर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो रेसिपी बनेंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए अब हम सूजी को उतार लेते हैं। फ्राई में 1 चम्मच घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 गाजर को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया है। गाजर को हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मैंने गाजर को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है मीडियम लो गैस पर। आप देख सकते हैं गाजर के जो कलर है हल्का सा चेंज होने लगे, यानी डार्क कलर की हो गई है। इसके साथ ही हमारे जो गाजर है पहले की तुलना में काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप दूध। वजन से हमने यहाँ पे 1 ग्राम जितना दूध लिया है। भुनी हुई सूजी को भी हम इसी के साथ डाल देंगे, यानी कि जितना मैंने गाजर लिया है उतना ही मैंने दूध ले लिया है। सूजी और गाजर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। 3 से 4 मिनट के अंदर सूजी ने दूध को अच्छे से सोख लिया। अगर आपको सूजी में दूध कम लग रही है तो फिर आप इसमें 1 कप या फिर 2 कप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे के लिए मैं यहाँ पे 150 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मीठा की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को अब सारे मिश्रण के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी भी हमने गैस को धीमा ही कर रखा है। पूरे प्रोसेस में आपको धीमा ही करना है क्योंकि सूजी दूध को भी बहुत जल्दी सोख लेता है, साथ ही ये जो चीनी में पानी निकलेगा ये भी बहुत जल्दी सोख लेगा। अब हम गैस को धीमा करके 5 मिनट के लिए ढक देंगे, लेकिन बीच में एक बार या 2 बार जरूर चला दें, नहीं तो हो सकता है आपका जो मिश्रण है वो चिपकने लगे। चीनी का जो एक्स्ट्रा पानी था वो सूजी ने अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारा एक डो की तरह ना बन जाए। मिश्रण ने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है, इसके साथ ही ये बिल्कुल डो की तरह बन चुकी है, यानी हमारा जो मिश्रण है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे उतार लेंगे। मिश्रण को मैंने प्लेट में उतार लिया था ताकि जल्दी से जो है ठंड हो चुका है। मिश्रण देख सकते हैं हाथों से छू पा रही हूँ, यानी हमारा जो मिश्रण है अच्छे से ठंड हो चुके हैं। तो इसमें से हम ले लेंगे थोड़ा सा मिश्रण। आप जितने बड़े साइज का बनाना चाहते हैं ना बॉल्स, उतने बड़े साइज के बॉल बना रहे, इसे हल्का सा इस तरह से चपटा कर लेंगे सबसे पहले, ठीक। और इसमें जो हमने दूसरा मिश्रण बनाकर तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे इस तरह बीच में। और जिस तरह हम कोई भी भरमा वगैरह पराठा हो चाहे कुछ भी हो बनाते हैं ना, सेम इसी तरह से बॉल्स बना लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से बॉल्स बनाने के बाद में हाथों से हल्के हाथों से इस तरह गोल कर लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मली बॉल्स या फिर भरमा पराठे के लिए बनाते हैं। तो जी देख सकते हैं इसी तरह से जो है सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेनी है। मैंने कढ़ाई में फुल क्रीम वाले 1 किलो दूध ले लिए है। दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा दूध राबड़ी की तरह ना बन जाए। तो जी आप देख सकते हैं दूध जो है पहले की तुलना में आधी हो चुकी है। तो हमें दूध को इसी तरह राबड़ी टाइप का बना लेना है। देख सकते हैं ऊपर बहुत ही बढ़िया मलाई आ रही है। इसके साथ ही दूध काफी ज्यादा जो है गाढ़ा हो चुकी है। ये फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 4 इलायची के बीजों को इस तरह दर दर कूट कर ले लिया है। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाला टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर को गुनगुना दूध में घोल कर ले लिया है। मीठा के लिए मैं यहाँ पर लूंगी 50 ग्राम चीनी। मीठा आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 10 से 12 केसर के धागे को गुनगुना दूध में भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, तो इसे भी डाल देंगे।
अब दूध को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो गैस पर 3 से 4 मिनट तक फिर से एक बार पका लेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद में चीनी पानी छोड़ता है तो चीनी के पानी जो है सूख जाए, इसके लिए हमें 3 से 4 मिनट तक धीमे गैस पर दूध को और पका लेना है। इधर दूध तैयार हो चुके हैं, यानी पूरी तरह से राबड़ी बनकर रेडी है। तो हमने यहाँ पे जो गाजर के बॉल्स बनाए हैं उसे डाल देंगे हल्के हाथों से, बहुत तेजी से ना डालें नहीं तो ये आपस में चिपक के फूट सकती है। तो देख सकते हैं हमारे गाजर के जो रसगुल्ले टाइप बन चुका है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार लगती है। एक बार जरूर ट्राई करें, यकीन मानिए सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं, खास करके बच्चों को ये कलरफुल चीजें बहुत ही पसंद आती है। ऊपर से हम इस तरह जो दूध है थोड़ा डाल देंगे ताकि ऊपर तक अच्छे से गीले हो जाए। गार्निश के लिए मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा पिस्ता, इसे दिखने में अच्छा लगेगा, पर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर किसी और ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया गाजर की रसमलाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।